मरियम नवाज साहिबा के जो खिताब में नया क्या था, इस पर हम बात करने की कोशिश करें। नज़ीर लगारी साहब, ये कहिएगा, पहले तो ये जलसा जो अभी मरियम नवाज साहिबा जैसे खिताब भी कर रही थी, इस जलसे में आपको लगा है कि आवाम इतनी ज़्यादा थी कि 21 अक्टूबर वाला इस्तकबाल आपको नज़र आया, इसमें कुछ झलक नज़र आई है? एक तो ये कि काबिल जिक्र था, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे, लोग थे, और ऐसा भी नहीं है कि इनके जलसों में लोग नहीं होते हैं, लोग होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं और आगे भी होंगे, ऐसा नहीं है। पंजाब में एक बड़ी पार्टी है, मुल्क में भी एक अहम काबिल जिक्र पार्टी है, हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, किसी भी बड़ी पार्टी को हम अंडर, अच्छा बड़ी पार्टियाँ होना, हमें उससे इख्तलाफ हो सकता है और हमें उनके तर्ज अमल से, उनके रवैयों से, उनके मंशूर से, उनके प्रोग्राम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बड़ी पार्टियों की मौजूदगी से हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने कहा उनके मौजूद होने से आपका सिस्टम मजबूत होता है, आपकी जमहूरियत मजबूत होती है और लगता है कि लोग जो हैं वो उठे हुए हैं। और आपको एक बात अच्छी नहीं लगी होगी, मुझे दूसरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि क्राउड काबिल जिक्र था, और ये 21 अक्टूबर को अगर यही था तो फिर ये इसको इस पर भरोसा ना करें, फिर कोई और ही बंदोबस्त करें, लेकिन बहरहाल एक काबिल जिक्र क्राउड था। और 21 के बारे में कौन कह रहा था, 21 के बारे में ये कहा गया कि अगर इसको उलट दें तो वो 12 अक्टूबर हो जाता है, और 12 अक्टूबर जब होता है तो फिर बड़ा दिन था पाकिस्तान की तारीख का। नहीं, आप बड़ा दिन कहते हैं, मैंने उसी दिन कहा था, मैंने आलमी मीडिया को कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान की बदबख्ती का दिन है, पाकिस्तान में किसी को भी